नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और दोस्तों अगर आप भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक लॉगिन को यानी कि फिंगरप्रिंट लॉगिन को अनेबल करना चाहते हैं, यानी कि आप फिंगरप्रिंट से जो है आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को अनलॉक करना चाहते हैं और एक्सेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप बायोमेट्रिक लॉगिन जो है अनेबल कर सकते हैं अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में, कैसे आप फिंगरप्रिंट एंटर करके जो है अनलॉक कर सकते हैं और जो है एप्लीकेशन को एक्सेस करने कर सकते हैं। इसमें जो है आपको लॉगिन पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप फिंगरप्रिंट के जरिए जो है आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों आप जो है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लॉगिन से बायोमेट्रिक लॉगिन से एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट एंटर करके कैसे आप लोग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं कि कैसे आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक लॉगिन यानी फिंगरप्रिंट लॉगिन करके जो है लॉगिन कर सकते हैं। बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक लॉगिन से लॉगिन करने के लिए, फिंगरप्रिंट लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखने के बाद जो है एप्लीकेशन में आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग एंटर कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का मेन बेनिफिट है दोस्तों आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पासबुक चेक कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बायोमेट्रिक लॉगिन करने के लिए, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन दिखा देता है राइट साइड में, लॉगिन पिन के राइट साइड में बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन दिखा देता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये बोलेगा सेटअप बायोमेट्रिक लॉगिन, क्विक लॉगिन बाय प्लेसिंग योर फिंगर ऑन बायोमेट्रिक सेंसर, यूज एक्जिस्टिंग बायोमेट्रिक सेट ऑन योर डिवाइस, नो नीड टू एंटर लॉगिन पिन। यानी कि आपको जो है जो आपका डिवाइस में जो है लॉगिन पिन है, जो आपका बायोमेट्रिक सेट है उसी से जो है आप लॉगिन कर सकते हैं, नो नीड टू एंटर लॉगिन पिन। यहाँ पे आपको लॉगिन पिन भी एंटर नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनेबल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको एंटर बोलेगा एंटर लॉगिन पिन, यहाँ पे आपका जो लॉगिन पिन है यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन पिन मैंने डाल दिया है, लॉगिन पिन डालने के बाद आपसे पूछेगा एंटर ट्रांजेक्शन पिन, तो आपका ट्रांजेक्शन पिन जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए, तो ट्रांजेक्शन पिन मैं डाल देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा डन बायोमेट्रिक लॉगिन हैज़ बीन एनेबल्ड, तो यहाँ पे ओके वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अकाउंट में अगर मैं लॉगआउट करता हूँ, लॉगआउट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, अगर जब आप लॉगआउट करेंगे तो आपका मेन पेज ये वाला खुलता है, तो मेन पेज ये खुलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है बायोमेट्रिक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यह बोलेगा बॉब वर्ल्ड प्लेस योर फिंगर ऑन द बायोमेट्रिक स्कैनर टू लॉगिन, तो यहाँ पे आपको पीछे का फोन का जो यहाँ पे स्कैनर होता है ये वाला, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पीछे आपका जो स्कैनर होता है ये वाला, ये क्या करते हैं, किसी किसी फ़ोन में नीचे भी स्कैनर होता है, किसी किसी में पीछे बैक में होता है, तो जहाँ भी आपका जो है स्कैनर होता है उस पर आप क्लिक करके जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोबारा से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोबारा से आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोबारा से आपके बायोमेट्रिक लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके पीछे का जो आपको रहता है बैक का ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फिंगर रखते हैं तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप जो है अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपका बायोमेट्रिक लॉगिन जो है एनेबल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉगिन सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपको समस्या सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, चले मिलते हैं आपसे, तब तक मिलते हैं हमारे देश में, मुझे मिलना था।